हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाऊंगी आलू और अंडे से बहुत ही टेस्टी एक स्नैक्स की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी बनके तैयार भी हो जाती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए दो बड़े साइज़ के आलू। आलू को मैंने बड़े साइज़ में ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं, और 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 गाजर और आधा शिमला मिर्च को इस तरीके से छोटे छोटे चॉप करके। गाजर को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है और मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को एकदम पतले पतले चॉप कर लिए, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। डालेंगे अब इसमें कुछ मसाले। डालेंगे पहले हम नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। लेंगे यहाँ पे 1 हरी मिर्च, तीखा आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। और मैंने यहाँ पे लिए 3 एग वाइट। एग वाइट को मैंने अलग करके डाल लिया है। और डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। 1 बड़े चम्मच को भर के हम लेंगे कॉर्नफ्लावर और सभी को डाल के हम मिक्स कर लेंगे। गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सभी को डाल के हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम ले लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे तेल। तेल को पहले हम गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम एक चमचे की मदद से इस तरीके से उठा के डालते जाएंगे। आपको जितना बड़ा यहाँ पे स्नैक्स बनाना है उतने आप डालिएगा। मैं यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से डाल देंगे। और इस तरीके से हम अगर बीच में ये आता है हमारा थोड़ा सा, हम इस तरीके से इसे कट कर देंगे। और एक तरफ हम 2 मिनट के लिए पहले से सेक लेंगे और बीच में थोड़ा सा हम इसे गैप बनाएंगे। जो हमने 3 अंडे का यहाँ पे एग वाइट डाला था, हमें यहाँ पे एग योक डालना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरीके से गोला बना लेंगे 1 चम्मच की मदद से, नहीं तो इस तरीके से एक स्पैचुला की मदद से आप कर लीजिएगा। ये आज की जो रेसिपी है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है, तो आज की रेसिपी आप ज़रूर बना के देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अब इसमें हम डाल देंगे एग योक, और एग योक डाल के हम इसे कवर कर लेंगे 2 मिनट के लिए। डाल देंगे और इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे। 2 मिनट बाद हम देख लेंगे हमारा नीचे का साइड कुक हो चुका है, अब इसका हम साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ भी पलट के हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और आप देख सकते हैं नीचे की साइड हमारा कितना सुंदर कलर आया है। आज का जो ये नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में कभी भी सर्व बना के खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से हम पलट लेने के बाद इसे 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। थोड़ा सा डाल लेंगे ऊपर से तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। गाइज अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कवर कर देंगे हम और 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। और देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, हमारा नीचे की साइड में अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए कितना सुंदर कलर आया, कुछ इसी तरीके से हमें बना के तैयार करना था। अब इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और आप देख ही सकते हैं ये देखने में जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी। एक बार आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा, दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर कलर आया है। और देखिए बनके तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी आलू अंडे का ये टेस्टी नाश्ता। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ।